हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स हिंदी मीडियम में। क्लास टेंथ का फिजिक्स जो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें केवल एक वीडियो भी मैं प्रोवाइड कराया हूं, और हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, अपवर्तन परावर्तन। पहले पार्ट में आपने देखा समतल दर्पण के बारे में पढ़ाया, और आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण। पढ़ाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको शेयर कर दूँ कि टेंथ क्लास के फिजिक्स में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको अगेन आपको ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन बेसिक फाउंडेशन फंडामेंटल तो यही रहेगा, इसलिए आप इन चीज़ों को फ्यूचर को ध्यान में रख के बहुत ध्यान से पढ़िए। ये सब आपको दोबारा फिजिक्स में ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम गोली दर्पण। गोली दर्पण, इंग्लिश में अपन कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अभी से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश नाम को ध्यान देते हुए पढ़िए, फ्यूचर को ध्यान में रखें, आगे आपको जरूरी है। स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। मैंने पिछले बार आपको बताया था दर्पण के दो प्रकार, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है, जिसे हम परावर्तन करते हैं, वो गोलाकार हो या कर्व हो, तो क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाता है। अब इसको मैं आपको बताऊं इस तरह से, देखिए ये बनता कैसे है। ये सपोज हमारे पास कोई खोखला गोला है, ये सपोज खोखला कांच का गोला है, ये इसका केंद्र है सी। खोखला कांच का गोला है, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। यहाँ जो रेडिंग से मैं बनाया, इसको हमने यहाँ से काट दिया, और काटने के बाद इसका जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को मैं निकाला तो ये टुकड़ा अपने को मिला, क्लियर। इसके सेंटर वगैरह आपको बताना है तो थोड़ा दूर बना दूँ इसको मैं। देखिए किस तरह से बनता है ये टुकड़ा हमने लिया, ये कौन सा टुकड़ा है? ये टुकड़ा है। अब इस टुकड़े को लेके हमने दो तरह से इसके साथ वर्क किया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब हम इस टुकड़े को, जो इस गोले का, खोखले गोले का ये पार्ट है, ये वाला पार्ट ये है, अब इसमें हमने क्या किया, ये पार्ट है, और इसका जो उभरा हुआ सतह है, इसको हमने पॉलिश कर दिया। मरकरी का एक मिक्स पॉलिश बनाते हैं, उसे हम पॉलिश करते हैं, दर्पण को पॉलिश करते हैं। ये पॉलिश है सपोज रेड वाला, रेडिंग, ये पॉलिश कर दिया। और इसका जो इस तरह से ये दूसरा कंडीशन में हमने क्या किया, इसके अंदर के सतह को पॉलिश कर दिया। ये हमने इसके अंदर के सतह को पॉलिश कर दिया इस तरह से। ये आप देख रहे हैं दो कंडीशन, एक बार ध्यान से सुनिए। खोखला गोला था, खोखला गोला को हमने काटा एक टुकड़ा, ये बना। इसमें दो तरह का प्रोसेस किया। पहले प्रोसेस में हमने क्या किया, इसके उठे हुए सतह को पॉलिश किया, या हमने इसके अंदर दबे हुए सतह को पॉलिश किया। तो ये जो दर्पण बना, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ये अवतल दर्पण है। और ये जो दर्पण बना, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इंग्लिश में कहेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर। ये दो दर्पण हमारे पास मिल गए। अब इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे, किसको हम अवतल दर्पण कहेंगे, किसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे? तो यदि गोली दर्पण का परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है अंदर का सतह, और जहाँ पॉलिश देख रहे हैं वो पॉलिश वाला सतह है। तो यदि गोली दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हो, अवतल हो, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तब वो दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है। और यदि उसका परावर्तक सतह ये ऊपर उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो वो क्या है? उत्तल दर्पण है। इस प्रकार से गोली दर्पण के दो प्रकार हो गए, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ऐसा इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, इसके जो पार्ट्स हैं उनको हमको समझना है कि इनके कौन कौन से अंग हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैं बता दूँ अलग अलग दोनों को आपको,
तो ये जो हम खोखला गोला काटे थे, इस खोखला गोला का जो केंद्र था, जो उसका सेंटर था, तो इसका भी यहाँ आगे सेंटर रहेगा, जो उसी का सेंटर होगा। तो इसका सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से हमने एक सीधी रेखा खींची, ये तो ये दर्पण का ये जो बिंदु है इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और ये है दर्पण का ध्रुव, इंग्लिश में पोल, पी फॉर पोल। वैसे यहां पर भी होगा, यहां पर इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ये दर्पण का ध्रुव होगा, क्लियर। अब ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ठीक मध्य बिंदु में एक बिंदु होता है एफ। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य में एक बिंदु होता है जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इस एफ को हम कहते हैं क्या, फोकस, हिंदी में भी फोकस, फोकस पॉइंट कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। ये है फोकस एफ। ये इसके थ्री महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र क्या है, जिस खोखले गोले से काट कर उस गोली दर्पण को बनाया गया है उसका जो केंद्र होता है वही इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र से जो सीधी खींची गई रेखा है जिस बिंदु पर दर्पण को मिलती है उसका ध्रुव है, पोल कहलाता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के ठीक मध्य में एक बिंदु होता है जिसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना है, वो है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, देखो दर्पण के इस किनारे के सिरे को और इस किनारे के सिरों को, मतलब यदि हम दोनों के मिला दें, ये ब्लू इंक से मैं मिला दिया, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जो इसकी सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी, इसकी सबसे बड़ी जीवा है या सबसे बड़ी दूरी है दर्पण के दोनों किनारों के बीच की, सबसे बड़ी दूरी है, क्योंकि इसके अंदर खींचेंगे वो सब छोटी होती जाएगी। तो दर्पण के गोली दर्पण के दोनों किनारों की जो सबसे बड़ी रेखा होती है, जो सबसे बड़ी दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक, इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर, ये दर्पण का द्वारक। द्वारक मतलब द्वार ही समझ लो, जैसे डोर होता है वो एंट्री, लाइट के एंट्री करने का डोर है, वो सबसे बड़ा डोर है, क्योंकि अधिकतम लाइट, अधिकतम जो प्रकाश है वह उसी के बीच से क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, ठीक है। मैं एक बार फिर आप लोग को बार बार एक बात याद दिला रहा हूँ कि जिनको भी आगे चल के 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, उनका इनके बिना काम नहीं चलेगा, और इतना डेप्थ में फिर 12th क्लास में कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को, खासकर 9th और 10th के स्टूडेंट्स को यह बात हमेशा याद दिलाते रहता हूँ कि 9th 10th क्लास में जो बेसिक है जिसको हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम हायर क्लास में अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को मैं बता रहा हूँ वो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर दर्पण का द्वारक ये हो जाएगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि गोली दर्पण क्या है, कैसे बनाते हैं। गोली सरफेस को लेते हैं, दो तरीके से पॉलिश करते हैं, यदि उभरा हुआ सतह में पॉलिश हो, मतलब दबा हुआ सतह, परावर्तक हो तो अवतल, यदि उठा हुआ सतह परावर्तक हो तो उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिबिंब रचना के नियम, मैंने इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको प्रतिबिंब क्या है पढ़ा दिया है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है, प्रतिबिंब की पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है, जितने भी स्टूडेंट यदि इसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े हैं और सीधा इस पार्ट को देख रहे हैं तो वो इसके पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ें, तो इसको पढ़ें तो अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम, तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इससे प्रतिबिंब रचना के नियम कि कोई भी गोली दर्पण, मतलब चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो जब प्रतिबिंब बनाता है तो किस प्रकार से बनाता है, क्लियर। तो गोली दर्पण से हम प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब पर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रतिबिंब रचना के नियम, कौन कौन से रूल्स हैं
जो प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम किसी भी एक दर्पण से समझ सकते हैं, लेकिन मैं दोनों में आपको बता देता हूँ, या एक से भी आप समझ जाओगे। ये मान लो एक अवतल दर्पण सॉरी मैंने लिया इस तरह से, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास कम से कम दो क्या होने चाहिए, प्रकाश की किरणें होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब कम से कम दो प्रकाश के किरणों के काटने से बनता है। अधिक से अधिक हम अनंत प्रकाश की किरणों को ले सकते हैं। तो दो प्रकाश की किरणों के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिसमें पहला नियम है जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ यहाँ पर ध्यान रखना, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं, यहाँ पर बता नहीं पाया मैं, वो कहलाता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला नियम क्या बता रहा हूँ मैं, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, यह पहला नियम है। मतलब यदि हम किसी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करेंगे तो परावर्तन के पश्चात उसको कहाँ से लेके जाएंगे, हम फोकस से होके लेके जाएंगे, क्लियर, यह पहला नियम है। दूसरा नियम है जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दूसरा नियम जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी दिशा में वापस चली जाती है। जो प्रकाश किरण, यहाँ पर लाइन में सीधी कर दूँ, आप ध्यान में रखना, ये वैसे अभी आगे मैं स्केल से बनाऊंगा। तो यदि प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह लंबवत होती है, और किसी भी सतह पर यदि प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित होती हैं तो उसी दिशा में वो वापस लौट जाती हैं। लंबवत क्यों होती हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमेशा अपने परिधि पर लंब होती है। तो दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम है जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। ये देखो, ये मैंने लिया स्केल से, ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही, फोकस से। जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, क्लियर। इस प्रकार से हम इस प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर ले जा सकते हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस तरह से। तो ये अब ध्यान में रखना, तीन नियम, ये तीसरा नियम मैंने बताया, ये दूसरा नियम एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यहाँ पर तीर के निशान में कंफ्यूज मत होना, ये इसी दिशा में वापस हो रही है, क्लियर। और तीसरा नियम मैंने क्या बताया, जो प्रकाश की किरण फोकस होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस तरह से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। अब दोनों दर्पण से प्रतिबिंब के जो कंडीशन है वो अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हम पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, क्लियर। तो देखिए, हम सबसे पहले अवतल दर्पण हम पहले पढ़ते हैं। अवतल दर्पण यहीं पर लिख लेता हूं मैं आपको। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना, ये टॉपिक आप ध्यान रखना। अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितने बनते हैं ये देखेंगे। तो ये समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चार्ट दे रहा हूँ। वैसे आप बुक्स में पढ़ोगे तो सबसे पहले राइटर क्या करते हैं, पूरा चित्र समझाने के बाद चार्ट बनाते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे और चार्ट के बेस पर हम फिगर को तैयार करेंगे। तो ये चार्ट हर स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए, ये मैं जो चार्ट बना रहा हूँ ये पहले आपको सीखना है, याद करना है। तो यहाँ पर ये चार्ट में सबसे पहले आप देखो, ये रहेगा इसका क्रमांक, कितने क्रमांक के फिगर बनते हैं, इसमें छह फिगर बनते हैं, जिसमें सबसे पहले वस्तु की स्थिति, यहाँ पर मैंने लिख दिया वस्तु की स्थिति, माने वस्तु कहाँ पर है, वस्तु की स्थिति, इसको मैं कह दिया ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा है प्रतिबिंब
की स्थिति, माने प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको मैं कह दिया आई। इसके बाद उसकी आकृति, आकृति मतलब वो कितना बड़ा बनेगा, साइज। और नेक्स्ट कॉलम हम बना देते हैं उसकी प्रकृति के लिए, क्लियर। ये नेक्स्ट कॉलम है उसकी प्रकृति, आकृति और प्रकृति माने कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रमांक फर्स्ट, पहले नंबर में कहाँ पर होगा वस्तु। तो वस्तु को हम सबसे पहले अनंत से लेके आते हैं, वैसे फोकस से भी पढ़ा जा सकता है, अनंत से, ये ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले वस्तु कहाँ पर है, सांकेतिक भाषा में लिख रहा हूँ, अनंत पर है। तो वस्तु अनंत पर है, इसके बाद दूसरे कंडीशन में सभी पोजिशन को लिख दूँ, पहले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट का जो कंडीशन है वो सबसे अलग बिहेवियर रखता है, इसलिए उसको मैं अलग लिख लिया नीचे, क्योंकि यहाँ पर छह कंडीशन हमको पढ़ना है। ये चार्ट आपको सबसे पहले याद करना है, अभी इसी के बेस पर फिगर बना के आपको समझाऊंगा मैं। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ पर हो, अनंत में हो, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और सी के बीच में हो, दूसरा कंडीशन। तीसरा हो वक्रता केंद्र पर हो, चौथा क्या हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, और पांचवा हो कहाँ पर चलाए, फोकस में, और छठवा है फोकस से और आगे चला जाए, मतलब फोकस और किसके बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो, क्लियर। छठवा को मैं अलग इसलिए किया क्योंकि इसका बिहेवियर अलग है। अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति को याद रखना है, तो रटने की जरूरत नहीं है, ये जो आप सीधा लिखे हैं एक से पाँच उसको उल्टा लिख दो, पाँच से एक, मतलब पाँच से एक लिखोगे तो पाँचवा में क्या है, एफ, तो यहाँ पर आप लिख लो क्या, एफ। उसके बाद क्या है, सी और एफ के बीच, उसके बाद क्या है, सी, उसके बाद अनंत और सी, और उसके बाद अनंत। ये याद रखने का बढ़िया तरीका है कि वस्तु की स्थिति जो लिखा था उसको मैं उल्टा लिख दिया तो क्या बन गया, प्रतिबिंब की स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस में बनेगा, क्लियर। ये मैं इसको एरो लगा दिया, इसे आप समझ जाना कि कौन किसका कंडीशन है। यदि वस्तु अनंत में है तो प्रतिबिंब फोकस में, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। अभी आपको फिगर से सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आकृति, तो सबसे पहले ये बनता है बिंदु के आकार का, मतलब ये छोटा सा बनता है बिंदु के आकार का। उसके बाद वस्तु से बड़ा, सॉरी, वस्तु से छोटा, बिंदु से बड़ा बन जाएगा लेकिन वस्तु से छोटा। फिर तीसरे नंबर में बन जाता है वस्तु के बराबर, इसकी आकृति वस्तु के बराबर हो जाती है, देखो बढ़ते जा रहा है वो, पहले बिंदु का आकार था, फिर वस्तु से थोड़ा छोटा हुआ, फिर वस्तु के बराबर हो गया, फिर वस्तु से बड़ा हो गया, फिर उसके बाद उससे बहुत बड़ा हो गया, बड़ा फिर बहुत बड़ा हो गया, ये लास्ट को अलग से बताऊंगा मैं। ये अब उसकी प्रकृति कैसी है, तो सभी कंडीशन में इसकी जो प्रकृति है वो बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और इसलिए क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये आपको मैं इसके फर्स्ट पार्ट में आपको समझा चुका हूँ। तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और सभी कंडीशन में वही होता है, सभी में वास्तविक और उल्टा बनता है, ये पांचों पोजिशन में। छठवां में अलग बनता है इसलिए मैंने उसको अलग रखा है। अब देखो यहाँ पर, जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो, सॉरी पोल के बीच हो, प्रकाश केंद्र हम लेंस में कहते हैं, यदि पोल मतलब ध्रुव के बीच में हो तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो होता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, बाकी सब में दर्पण के आगे बनेगा और इसमें दर्पण के पीछे, ये सब दर्पण के आगे है, चित्र में आपको समझा दूंगा मैं। ये बड़ा है तो बड़ा ही बनता है, छोटा नहीं होता। और वास्तविक तथा उल्टा है तो यहाँ पर ही इसका बिहेवियर बदल जाता है, अब बन जाता है आभासी। और मैंने आपको बताया था कि आभासी कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्लियर। तो ये चार्ट है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम के। यदि ये चार्ट आपको याद है तो चित्र बनाना आसान है, और यदि ये चार्ट आपको याद नहीं है तो चित्र बनाने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहला काम है इस चार्ट को लर्न करना कि कौन कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, और ये सब चीज़ आपको लिखना है, क्लियर। अब हम इसका बनाते हैं क्या, प्रतिबिंब। तो एक एक करके हम इसका प्रतिबिंब बनाते जाते हैं। सबसे पहले
अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, पहला कंडीशन जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ये पहला वाला मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कुछ आपको टेक्निक बता रहा हूँ दर्पण वगैरह बनाने के, उसको अब ध्यान देना और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी प्रैक्टिस करना। तो मैं स्केल का हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको मुख्य अक्ष खींचना है, ठीक है। ये एक मैं एक दो आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी प्रैक्टिस करना। तो पहले बना लेना एक मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष बना लिए अपन। मुख्य अक्ष बनाने के बाद इसमें आपको एक दर्पण बनाना है, अवतल दर्पण। तो कहीं पर भी किनारे में आप एक इस तरह से दर्पण बना लोगे, अवतल दर्पण। वैसे लाइनिंग वाले पेपर में आर्क को, मेरा थोड़ा तिरछा हो सकता है, साइड से दिखता नहीं, तो आप उसको एग्जैक्ट आर बनाए, आर्क बनाएंगे अवतल। इसके बाद आप इसके पॉलिश वाले पोजिशन को ऐसा इसमें शो कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तक सतह अवतल है। अब अनंत से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है, अनंत से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी। तो आप क्या करो, हाँ वस्तु को हमको नहीं बनाना है, ये हमने लिया आया अनंत से प्रकाश के, स्लिप होता है ये, अनंत से हमने प्रकाश किरण ले आया, ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे। और अभी मैंने प्रतिबिंब रचना के नियम में बताया कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, फोकस होके जाती है। तो हम इसको लेके चले जाएंगे, इसके फोकस होके लेके चले जाएंगे, ये इसकी फोकस से हम लेके इसको चले गए, ये फोकस होके चली गई है। दूसरी प्रकाश की किरण आप मुख्य इसके समांतर इसी को ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे और इस फोकस पर, ये पहला फिगर बहुत आसान है, पर देखो फोकस पर प्रतिबिंब बना, ये इसका प्रतिबिंब है, ये इसका प्रतिबिंब है, कहाँ पर बना, फोकस में, और बिंदु के आकार का बना। देखो ये इमेज कैसा है, पॉइंट है, पॉइंटेड इमेज है, और वास्तविक तथा उल्टा, चूँकि दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला इमेज, जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर का इमेज। पहला तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक एक करके आप समझते जाओ कि किस तरह से मैं चित्रों को बना रहा हूं। दूसरा अनंत और सी के बीच, सेकंड कंडीशन है हमारा अनंत और सी के बीच। देखिए ये फिगर मैं इसलिए बना के बता रहा हूं एक एक कि आप यहां से सीखिए और इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखने बस से कुछ नहीं होगा। पहला काम मैंने क्या बताया, पहला बताया कि आपको मुख्य अक्ष खींचना है, क्लियर, ये आपने मुख्य अक्ष खींच लिया। मुख्य अक्ष में एक अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण को तुरंत इस तरह से आप पॉली सरफेस दिखा दिए, तभी पता चलेगा कौन सा दर्पण है। अब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखना है, तो आप हम यहाँ पर वस्तु को अनंत और सी के बीच में रख देते हैं, मतलब कहीं पर भी वस्तु को मैंने यहाँ पर बना दिया, ये आप बना दीजिए एक वस्तु, ये है वस्तु ए बी, और अभी अनंत और सी लिखने का ज़रूरत नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। ये टेक्निक को आप समझते जाना कि किस तरह से बनता है। अब क्या करो, आप इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करो, मुख्य अक्ष के समानांतर आपको हमेशा आपतित करना है। ये मैंने यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण आपतित किया, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, अब आपको पता है कहाँ से होकर चली जाएगी, वो फोकस से होकर चली जाएगी, तो हम इसको फोकस से होकर ले जाएंगे। ये अभी फोकस लिखना नहीं है आपको ना, आप ले जाओ मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट से, ये मैं इसको फोकस से, चलो फोकस लिख दिए, फोकस होकर चली गई। हम प्रतिबिंब रचना के नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किए, वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। अब दूसरी प्रकाश की किरण को आप लेके जाओ वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र फोकस के आगे इसके मध्य बिंदु पर होगा, ठीक इतने दूरी पर। तो ये हमने क्या किया, दूसरी प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर लेके गए, और आपको मालूम है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये पहली प्रकाश की किरण यहाँ से फोकस से जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाके उसी दिशा वापस लौट जाती है, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं, ये इनका कटान बिंदु है। और आपको मालूम है
कि इसी कटान बिंदु पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया, ये इसको हम कहेंगे ए डैश बी डैश, ये इसका प्रतिबिंब है, कोई दिक्कत। ये देखिए अब इसके बिहेवियर को देखो, कहां कहां पर बना है। आप फिगर में देखो क्या बताया मैं, ये तो हो गया। सेकंड नंबर देखो, अनंत और सी के बीच में वस्तु हो, ये सी है, और सी के बाहर मतलब क्या है, इधर अनंत है, तो वस्तु कहां पर है, अनंत और सी के बीच में। प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, देखो ये सी है ये एफ है, तो दोनों के बीच में प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच में। वस्तु से छोटा, देखो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब उससे छोटा बना, तो वस्तु उससे छोटा बन गया, क्लियर। इसके बाद उल्टा, वास्तविक तो था उल्टा, तो देखो वस्तु ऐसा है ये नीचे बना हुआ है तो उल्टा है, तो ये इसका परफेक्ट फिगर है। ऐसे आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं पूरे 6 आपको प्रैक्टिस यहाँ पर मैं करा देता हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपका काम है कि सबसे पहले आप क्या करो, इसकी रफ कॉपी लो और बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जहाँ पर प्रकाश की किरणें काटनी चाहिए वहाँ ना काट के वो कहीं और काटने लगेंगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट फिगर का अपन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पोजिशन, मैं पूरे 6 आपको बता देता हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। थर्ड पोजीशन में कहाँ पर, सी पर। अब हमारा वस्तु कहाँ पर है, सी पर है, क्लियर। तो वस्तु यदि सी पर हो तो किस तरह का सिचुएशन बनता है, देखिए आपको यहाँ से ध्यान रखिए, सी पर बनता है। तो पहले हम बना लेते हैं दर्पण। दर्पण बनाने के लिए पहला काम है आपको मुख्य अक्ष बनाना है, ये मुख्य अक्ष बना लिए, मुख्य अक्ष के किनारे पर हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अब आप समझ गए होंगे स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे बताते जा रहा हूँ, लेंस में और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है आगे, जो अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये सी है, अब इस सी बिंदु पर मैं ले लेता हूँ क्या, वस्तु। यहाँ पर मैं अलग अलग कलर से आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ध्यान उस पर अच्छे से फोकस हो सके, ये। और आपको सजेस्ट करता हूँ इसमें प्रतिबिंब भी उसी समय बना दो, ये टेक्निक है सब बनाने का। ये वस्तु, ये प्रतिबिंब, ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, वहीं पर बना दिया। क्यों, क्योंकि वहीं पर बनना है, जहाँ पर वस्तु वहाँ प्रतिबिंब बनना है, उसके बराबर बनना है तो बराबर बना दिया, ये पहले से बना दिया मैं, क्योंकि वहाँ बनना है पहले से बना दिया, उसी मेजरमेंट में बना दिया। अब ये प्रतिबिंब बना कैसे है, इसमें हम प्रकाश की किरणों को दिखाएंगे। तो हम ले लेते हैं पहली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, इसको तो हमको हमेशा लेना चाहिए। ये हमने लिया एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये फोकस होके जाएगी और इस पॉइंट से होके जाएगी, इसलिए पहले से ही क्या करो, ये दोनों बिंदु को मिला लो इस तरह से और इसको फोकस से होके गुजार दो, दोनों पॉइंट को पहले से मिला लो आप, ये। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहाँ से होकर चली जाती है, फोकस से, ये हमने फोकस ले लिया। और वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र से ही अपने प्रकाश किरण नहीं ले जा सकते, तो अब दूसरी प्रकाश की किरण क्या करेंगे, फोकस से लेके जाएंगे, जिसको मैं पहले से इसके समांतर कर दिया, ये समांतर कर दिया और ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो दूसरी प्रकाश की किरण को हम कहाँ से लेके गए, फोकस से लेके गए, थोड़ा ध्यान देना। दूसरी प्रकाश की फोकस होके जाती है और मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है, और पहली मुख्य अक्ष के समांतर फोकस होके जाती है, दोनों यहाँ पर काटते हैं, मतलब प्रतिबिंब पहले से बना दिया वहाँ पर। तो ए बी यहाँ पर वस्तु है और उसके ठीक नीचे में ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब है। यहाँ पर आप सिचुएशन को देखो, जो हम देखे हैं सी पर वस्तु है, सी पर प्रतिबिंब बना वहीं पर, उसके बराबर बना, वास्तविक बना है और उल्टा बना है, ये सीधा है ये उल्टा है। तो ये है इसका थर्ड पोजीशन, इम्पॉर्टेंट है और उसको आपको सिचुएशन को समझना है। इसमें आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि प्रकाश की किरणें इधर उधर ना जाएं, जैसे मैं परफेक्ट बना रहा हूँ वो प्रैक्टिस पर ही बेस्ड है, इसमें टैलेंट का कोई काम नहीं है, ये आर्ट है, ये प्रैक्टिस है। आप बहुत जीनियस हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन आप उसको बनाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपसे नहीं बनेगा, ये प्रैक्टिस चाहिए इस तरह की चीज़ों के लिए, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका फोर्थ
देखो टेंथ क्लास में यदि ये चीज पुअर हो जाए तो ट्वेल्थ क्लास में इसको बहुत तेजी से बनाना पड़ता है। याद रखना, जो स्टूडेंट टेंथ क्लास में अच्छा करता है वही फिर आगे ट्वेल्थ में अच्छा करता है। इसीलिए मैं टेंथ का क्लास स्टार्ट किया आप लोग के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का बेस बहुत स्ट्रांग रहे आगे IIT JEE नीट वगैरह की तैयारी के लिए। आपका फिजिक्स का बेस बहुत क्लियर रहे, अदरवाइज जब स्टूडेंट 11th 12th में पहुँच जाते हैं बेसिक चीज़ क्लियर रहता नहीं, परेशान होते रहते हैं, बार बार हमसे पूछते हैं सर नीट के लिए कैसे करें, IIT के लिए कैसे करें। भैया आपको 9th 10th क्लास से ध्यान देना है, माने आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर आप फिर कठिन चीज़ों को समझ सकेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ है, इस पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। चलिए अब हम बनाते हैं फोर्थ नंबर का फिगर सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। तो पहले अपन बना लें क्या, आपको पता है कि सबसे पहले हम मुख्य अक्ष बनाते हैं, ये मुख्य अक्ष बना लिया, ये दर्पण बना लिया। अब दर्पण के बाद आप वस्तु को देखो कहाँ रखना है आपको, हाँ यहाँ लिखा हूँ मैं सी और एफ के बीच में। अब वस्तु बना दीजिए कहीं पर भी, ठीक है, अब हम वस्तु बना देते हैं। ये वस्तु बना दिया, पोजीशन को आप पहले से मत लिखे कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। अब सी और एफ के बीच में, मतलब ध्यान रखना एफ इधर है और सी इसके बाहर है, सी अब इसके बाहर आ गया है, ध्यान में रखना, ठीक है। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा और पास कर दूं तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे अपन। ये मेजरमेंट आपका इतना परफेक्ट हो कि परेशानी मत हो। तो पहली प्रकाश की किरण को हम आपतित कर देते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किया। कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से, नेचुरली आपको पता है कि हमको फोकस से लेके जाना है, तो ये इसको लेके चले जाओ कहाँ से, फोकस से। मुख्य के समांतर आपतित किए, लेके चले गए फोकस से, लिख दिया यहाँ पर मैं फोकस। अब आगे क्या करोगे, प्रकाश केंद्र सी तो पीछे है इसको, क्योंकि वस्तु सी और एफ के बीच में है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से पोजीशन बनाना है कि यहाँ पर सी, यहाँ पर दर्पण को यही बात होता है। ये सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पोजीशन वाला फिगर है, थोड़ा ध्यान रखना मिरर का साइज कभी छोटा होता है तो पोजीशन नहीं मिलता उसके लिए। तो दूसरी प्रकाश की किरण को आपको क्या करना है, वक्रता केंद्र से होकर लेके जाना है और इसको काटना चाहिए, ठीक है, पहले वाले को काटना चाहिए इस तरह से, उसको और आगे बढ़ाऊंगा मैं। देखिए क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देना, ये वक्रता केंद्र के तरफ जाती है और उसी दिशा में क्या होती है, ये वापस लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र है, ये इधर जाती है और उधरी दिशा में वापस लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र की दिशा से जाने वाली प्रकाश किरणें उसी दिशा में वापस चली जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटे हैं तो इसको हमको काटना पड़ेगा, ठीक है, आपके लिए जगह कंजस्टेड हो जाएगा थोड़ा। मैं इस फिगर को थोड़ा सा और करेक्ट करके बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये काटेंगे लेकिन ये बहुत आगे निकल जाएंगे यहाँ, तो फिगर गलत नहीं है, सही है, लेकिन आगे हम इसको ले जाएँ तो बहुत दूर में बनेगा और इससे बड़ा प्रतिबिंब तो बनना ही है, लेकिन थोड़ा उसको मैं और परफेक्ट कर देता हूँ। मैं तो बना दूंगा लेकिन आपके लिए परेशानी हो जाएगी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से बता दूं आपको, एडजस्ट करके इधर मैं ज़्यादा जगह ले ले रहा हूँ दर्पण के लिए। ये दर्पण है सपोज, अब हम यहाँ पर बना दिए वस्तु, ये हमने वस्तु ले लिया पहली प्रकाश की किरण को। एक काम करो आप, वक्रता केंद्र वाले प्रकाश की किरण को पहले कर दो इसमें, तो आपको ज़्यादा आसानी से बनेगा। ये वक्रता केंद्र की दिशा से जाती है, उसी दिशा में वापस चली जाती है, मतलब ये सी है, इस दिशा में जाती है, इसी में वापस चली जाती है, ये पहली प्रकाश की किरण। दूसरे किसी को पहले किसी को बाद में ले सकते हो। ये हमने दूसरी प्रकाश की किरण को लिया मुख्य अक्ष के समानांतर, क्लियर,
अब वो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो फोकस पॉइंट अभी यहाँ पर आप कहीं पर भी बना सकते हैं, तो उसको क्या करो, फोकस बाद में लिखना, पहले इसके साथ हम इसको कटिंग कराते हैं, ये क्रॉस कराते हैं। ये तरीका है, इस टेक्निक से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर किए, कहाँ से होकर जाती है, फोकस। अब यहाँ पर आप फोकस लिख दीजिए, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं, तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ये हुआ प्रतिबिंब कटान बिंदु पर, प्रतिबिंब को हमने बोल दिया ए डैश बी डैश, वस्तु क्या है ए बी। और ये देखो, तो ये फिगर थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके बनाना होगा। और यहाँ पर चार्ट में देखो, सी और एफ के बीच, ये सी है ये एफ है, इसके बीच में है वस्तु। प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में, ये अनंत है, ये इधर अनंत है और सी, इसके बीच में प्रतिबिंब परफेक्ट बना है, बड़ा। आप देख रहे हो ये वस्तु का साइज है, प्रतिबिंब का साइज है, उससे बड़ा बना है। और वास्तविक तथा उल्टा तो है ही है। तो ये फिगर है हमारा फोर्थ नंबर का। अब हम फिफ्थ नंबर को देखते हैं, क्लियर यहाँ तक। ये फिगर थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे पहले कंडीशन में मेरा इधर बहुत आगे, तो आपके मेरे पास तो बोर्ड में बहुत बड़ा जगह है, आपको नोटबुक में बना देना है, तो नोटबुक में आपके एक पेज में कवर होना चाहिए। अभी उसी फिगर को मैं आगे बढ़ा के कटा देता आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर आपको दिक्कत होता, इसलिए मैंने उसको क्या किया, कॉम्पैक्ट किया, थोड़ा पास किया, क्लियर। तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसमें ये वाली प्रकाश में आपको पहले खींचना सी वाला और फोकस वाले को, सब ये टेक्निक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। चलिए अब देखते हैं अपन इसका फिफ्थ नंबर का पोजीशन। जनरली बहुत बार टीचर्स क्या करते हैं कि ये फिगर तो बुक में दिया है, सब बुक में दिया है, आप लोग भी साथ में राग मिला देते हो, यस सर, तो बुक देख के फिर बना लेना इसको, बुक में तो सब दिया है, कुछ दिक्कत नहीं है, उसको देख के आप प्रैक्टिस कर लेना, यस सर। फिर कोई कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, ध्यान नहीं देता, और ट्वेल्थ में पहुंच जाता है, फिर इतनी परेशानी पूछो मत। कई बार तो मुझे अपने ऑफलाइन क्लास में, ट्वेल्थ क्लास में, बारहवीं क्लास में, कई दिनों तक क्लास में मुझको इसका प्रैक्टिस कराना पड़ता है। लेकिन चूंकि आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो लापरवाही मत करना कि सर ने बोला था, बस वीडियो देख लिए, आराम से अपन बैठे बैठे वीडियो देख लिए पिक्चर की तरह, अब वो फिगर बन जाएगा। अभी एक सीधा लाइन नहीं खींचाएगा फिर आपसे ना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनकी प्रैक्टिस करना, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे एक भी फिगर नहीं बनेगा, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है। फिफ्थ का पोजिशन है एफ, यदि वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। तो बना लेते हैं, सबसे पहले अपन दर्पण बना लेते हैं इस तरह से। सारे पोजीशन इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे बताते बताते कम से कम आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एक बस बता दूंगा तो आप फिर नहीं कर पाओगे ये। अब हम वस्तु को बना देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने वस्तु बना दिया फोकस में, थोड़ा पास ले गए, इसके फोकस पास होता है, ये बना दिया फोकस, ये आसान है। अब इससे हम प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, ये अब देखो वस्तु फोकस में ही है ना, तो एक प्रकाश की किरण हम आपतित करेंगे यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से जाएगी, वस्तु तो खुद फोकस में खड़ा हुआ है, तो वस्तु के पाद से, मतलब उसके पैर के पास से चली जाएगी, वहीं से लेके चले जाते हैं अपन, ठीक है। ये हमने कर दिया फोकस से, चली गई। अब वक्रता केंद्र तो पीछे छूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वक्रता केंद्र लिए और इस तरह से इसके वक्रता केंद्र से हम इसको लेके चले गए। मतलब ये जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है इस तरह से। अब सिचुएशन को देखो, अब ये दोनों प्रकाश किरणों को ऐसा छोड़ दो, कटाओ मत इनको, आगे ले जाके कटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कि जब वस्तु फोकस में हो, फोकस में है वस्तु, यहाँ पर देखिए आप, तो प्रतिबिंब अनंत में बनता है। अनंत में बनने का मतलब ये दोनों प्रकाश किरणें आगे जाएंगी और कहीं पर काटेंगी, कटा के दिखाना नहीं, संभावना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है
कि भाई ये धीरे धीरे आगे जाएंगी और आगे जाके एक दूसरे को काटेंगी। क्लियर? तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आगे जाके अनंत में काटेंगी, और चूंकि काटने का संभावना है इसलिए वो वास्तविक बनेगा, और बहुत दूर में काटेंगी तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। आप खुद समझ सकते हो बहुत दूर में बनेगा। तो ये फिफ्थ पोजीशन है, इसमें प्रकाश की किरणों को काट के नहीं दिखाना है, डॉटेड लाइन करके छोड़ देना है। डॉटेड लाइन करके छोड़ने का मतलब है कि आगे चल के वो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर का पोजीशन। अब आपको मैं बता दूं, ये जो छठवां पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। छठवां पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है और यही बनाने में थोड़ा दिक्कत आता है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। सिक्स पोजीशन ऐसे भी ये पूरे बिरादरी से बाहर है। क्यों? क्योंकि सब के सब वास्तविक बनाते हैं, यही बस आभासी बनाते हैं। सब बिहेवियर इसका, ये सब देखो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनाए थे, मतलब जिधर वस्तु होता है उधर बनाए थे, ये दर्पण के पीछे साइड में बनाएगा, इसीलिए आभासी बनाते हैं। तो रेयर है, अलग है, इसको ढंग से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए बना ले हम पहले दर्पण। ये हमने दर्पण बना लिया, अब हमको इसके पीछे बनाना है प्रतिबिंब को। ठीक है, यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया, आप एक काम करना इस, चलो ठीक है, बड़ा बना लो। अब यहाँ पर मुख्य अक्ष को थोड़ा बड़ा बना लेना। ठीक है, साइज इसका इस तरह से, और दर्पण को इसमें बीच में बनाना, क्योंकि पीछे हमको प्रतिबिंब बनाना है उसका, दर्पण के पीछे सिचुएशन, इसीलिए बोला चार्ट याद रहना चाहिए ना, क्योंकि चार्ट याद रहेगा परफेक्ट वर्क करोगे आप। अब यहाँ पर बना दो आप एक वस्तु, कहाँ पर? F और P के बीच में। तो ये तो इसका पोल है P, और F तो इसके बहुत आगे अपन बना लेंगे। ये हमने वस्तु बना लिया F और P के बीच में, मतलब इसका F इधर है, F पीछे है उसका। अब यहाँ पर क्या करो आप, एक प्रकाश की किरण, स्टेप को ध्यान देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना। एक प्रकाश की किरण आप इसके फोकस, इसके फोकस से होके लेके जाना है। तो कैसे करना है, सॉरी, मुख्य अक्ष के समानांतर पहले आप लेके जाओगे मुख्य अक्ष के, वैसे वक्रता केंद्र वाला भी ले जा सकते हैं, चलो यही कर लेते हैं पहले। ये वक्रता केंद्र से जाने वाली कंडीशन है, ये वक्रता केंद्र से लेके गए और उसी से उसी समय पीछे, और क्या करना, सेम टाइम में, स्केल को उठाना मत, सेम टाइम में क्या करना, इसको आप आगे डॉटेड लाइन कर देना। मैं आपको समझाऊंगा आगे हुआ क्या है। ये क्या करना है, सुनो ध्यान से, वक्रता केंद्र के सीध को लेना, और जो वक्रता केंद्र से जाती है पीछे लौट जाती है, लेकिन उसी टाइम उसको डॉटेड लाइन कर देना। दूसरी प्रकाश की किरण को ले लो आप, क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर लिया। अब आपको पता है कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, तो ये तो फोकस के बाहर है, मतलब फोकस और पी के बीच में, फोकस इसका इधर कहीं पर है। तो उस कंडीशन में क्या करो, ये फोकस पॉइंट को ले लो और पीछे को भी ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब आगे को, ये दोनों बात को ध्यान में आपको रखना है। ये बोला ना, ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सी को मेरे को थोड़ा और झुकाना चाहिए, आगे जगह भी तो होना चाहिए ना आपको काटने के लिए। चलिए इसको मैं ऐसा झुकाते हुए लेके जा, सी को मतलब दूर में कर रहा हूं मैं, ये सी वापस, और उसी टाइम में ये डॉटेड लाइन। क्या प्रॉब्लम आया, समझ में आया आपको? प्रॉब्लम यह आया कि सी बहुत ऊपर चल दिया था तो काटने का जगह नहीं मिल रहा था। ये हो गया सी, ऐसे भी ये पी और सी के बीच में एफ आना चाहिए। तो दूसरी प्रकाश की किरण जो हमने समानांतर लिया है उसको क्या करो, उससे कटना चाहिए पहले वाले से। तो हम ये फोकस से होकर लेके गए और उसको आगे हम बढ़ाएंगे, तो पहली प्रकाश की किरण को उसको काटना चाहिए यहाँ। सबसे डिफिकल्ट फिगर है ये, ध्यान रखना, अभी समझाता हूँ। तो एक बार और सुनो क्या क्या हुआ है। पहली प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र की दिशा में लेके गए तो वो उसी दिशा में वापस हो गए। दूसरी प्रकाश की किरण को हमने मुख्य अक्ष के समानांतर लिया तो ये कहाँ से होके चली गई, फोकस से होके चली गई ये। अब इन दोनों किरणों को देखो, ये दोनों किरणें आगे काटेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों किरणें फैलते जा रही हैं। इससे पहले मैंने उसको पास लाया था, लेकिन जो ऐसी जा रही हैं वो जाके अनंत में भी नहीं काटेंगी।
तो जब प्रकाश की किरणों की संभावना अनंत में भी जाके काटने की नहीं होती तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर जहां एक दूसरे को काटते हैं वो फिर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। क्योंकि मैंने आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा आपको क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं काटती, काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ काटती हुई प्रतीत होती हैं, ये है ए बी वस्तु और ये है ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब। ये सबसे डिफिकल्ट पोजिशन है, ध्यान रखना। एफ और पी इसको बनाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। बार बार ये चीज़ मैं याद दिला, हर फिगर के बाद आपको याद दिला रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस, ऐसा बनेगा। आप सिचुएशन को चेक कर लो चार्ट का, एफ और पी के बीच में है, ये एफ है, ये एफ है और ये पी है। एफ और पी के बीच में वस्तु है, ये आप देख रहे हैं वस्तु को हमने कहाँ पर बनाया हुआ है, एफ और पी के बीच में बनाया हुआ है। दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना है, देखो बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब उतना बड़ा बना है। और खास बात क्या है, सीधा है, और सीधा है इसीलिए क्या है, वो आभासी है। तो ये सिक्स पोजिशन है, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने पूरे सिक्स पोजिशन का आपको फिगर बना के बताया और इसी तरह से आपको इसके फिगर बनाने हैं। ये हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना, इसको आपको ट्वेल्थ क्लास में एक बार और पढ़ना है, इसलिए अभी से अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, ट्वेल्थ में आप फटाफट रिकवर करेंगे और बहुत तेजी से पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण तो एक ही पोजिशन है, या उसी को हम दो कह सकते हैं, लेकिन एक ही मान के चलिए, वो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब ऊपर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखो। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे, तो काम तो हमारा वैसे ही है, पहले मुख्य अक्ष बनाओ, ये मुख्य अक्ष बना लिया। उत्तल दर्पण बनाना है तो आप ऐसा उल्टा बनाओ, अब ये पॉलिश वाला इसका सरफेस हो गया, इसका एक ही पोजिशन है और बहुत आसान है, क्लियर। अब इसके सामने हमको बनाना है वस्तु, तो इसके सामने हम वस्तु बना दिए, ये दर्पण के सामने रहेगा वस्तु, ये हो गया वस्तु। अब एक प्रकाश की किरण हम क्या करते हैं, इसके समानांतर आपतित करते हैं, स्टेप को ध्यान देना ना, ये समानांतर आपतित किया। अब ये कहाँ से होकर जाते हैं, प्रतीत होंगी फोकस से, तो फोकस तो इसका इधर है, तो फोकस ऐसा फोकस पॉइंट ले लो और इसको क्या करो, ये परावर्तित कर दो और इधर कर दो डॉटेड। मतलब क्या हुआ, ये प्रकाश किरण यहाँ दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, लेकिन फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्लियर। अब दूसरी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र के टारगेट करके लेके जाओ, सपोज ये वक्रता केंद्र है तो यहाँ तक कंप्लीट और फिर उसके बाद आगे डॉटेड और ये पीछे। अब हुआ क्या है, देखो ये जो दूसरी प्रकाश की किरण है वक्रता केंद्र की ओर जाती है और उसी दिशा से वापस लौट जाती है। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें तो आगे काटेंगे ही नहीं, इसलिए पीछे ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है और वहाँ पर बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये है प्रतिबिंब जहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, पहला महत्वपूर्ण बात यह कि पहले इसका पोजिशन क्या है, दर्पण के पीछे हमेशा क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा हमेशा, क्योंकि एक ही कंडीशन है इसका। तो पहला खासियत कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि हमेशा वह वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। दूसरी खास बात, तीसरी खास बात कि वो हमेशा सीधा होगा और इसीलिए क्या होगा, वो आभासी होगा। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ऑलवेज। ऐसा चार्ट का जरूरत नहीं है, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ये जो ग्लास, ये जो दर्पण आपको पढ़ाया जा रहा है, वास्तव में वाहन के साइड ग्लास में, वाहन का साइड ग्लास, साइड ग्लास को क्या बोलेंगे, साइड ग्लास बोलेंगे, ठीक है। साइड ग्लास जो होता है, साइड ग्लास समझ गए ना, आपके
बाइक में, कार में जो बगल में साइड ग्लास लगा रहता है वास्तव में उत्तल दर्पण होता है। कैसे देखो, आपके बाइक के साइड में छोटा सा उत्तल दर्पण लगा हुआ है और पीछे से ट्रक और हाईवा आ रहा है उसका भी प्रतिबिंब बना देता है। क्यों? क्योंकि वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता उत्तल दर्पण लगा देते तो पीछे ट्रक है और ट्रक से बड़ा प्रतिबिंब, उतना बड़ा हमारे पास स्क्रीन ही नहीं है, तो वस्तु से छोटा बनाता है, देखा होगा, और सीधा बनाता है। यदि ट्रक पीछे से आ रहा है तो ट्रक के चक्के ऊपर नहीं दिखते, जैसा है वैसे ही दिखता है ना, तो आपको पता है कि कैसा बनाता है, वो सीधा बनाता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए आपने देखना उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें कोटेशन लिखा रहता है, द इमेज इज क्या लिखा, एपियर ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, मैं उतना ध्यान नहीं दिया, आप कभी पढ़ना उसमें, कई मिरर में ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, मतलब वो ये लिखा रहता है कि वो क्लोजर है, पास है, वस्तु से पास है, क्लोजर देन दे एपियर ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो ये है इसका खासियत, और ध्यान रखना ये वाहन के साइड ग्लास में यही यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ अवतल दर्पण के 6 कंडीशन, सबको मैंने फिगर बताया, और उत्तल दर्पण का 1 कंडीशन, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जिसका आपको डेरिवेशन नहीं करना है, इस क्लास में उसका डेरिवेशन नहीं करना है, उनका डेरिवेशन आपको 12th क्लास में करना है, लेकिन फार्मूला को जानना है क्योंकि हम उसकी सहायता से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर अपन कुछ फार्मूले, गोली दर्पण से संबंधित कुछ फार्मूला। फार्मूला समझाने से पहले मैं आपको चिन्ह परिपाटी समझा दूं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के आधार पर ही हम न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी होता क्या है, देखो, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, चिन्ह परिपाटी होता क्या है, ये उत्तल दर्पण है, अब इसी की सहायता से मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है कि ये आपतित किरण है, मान लो ये, तो यदि ये है इसका पोल, ठीक है, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, ये मान लो यहां पर वक्रता केंद्र है, ये क्या है, एफ है, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, मतलब इस दिशा में यदि दूरी मापा जाए तो उसको हम धनात्मक लेंगे, ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियों को हम, मतलब दूरी को यदि हम पी से सी की ओर मापें तो ऋणात्मक लेंगे, और सी से पी की ओर मापें तो धनात्मक लेंगे। पहला परिपाटी, मतलब सीधा सीधा नियम क्या है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियों को धनात्मक लेते हैं तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। दूसरा नियम क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल्स इसी के बेस पर बनते हैं, क्लियर। तो यह है चिन्ह परिपाटी। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है रैखिक आवर्धन या रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं रैखिक आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन यह रैखिक आवर्धन क्या होता है, देखो, यह है m से प्रदर्शित करते हैं, m फॉर मैग्निफिकेशन, यह होता है i अपान ओ, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, i यहां पर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, i फॉर इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट माने वस्तु की लंबाई, माने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं, और ये v अपान u के भी बराबर होता है, और यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके इसके प्लस माइनस को डिसाइड करते हैं जब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो ये रैखिक आवर्धन कहलाता है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा बना है और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, या ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, v क्या है यहाँ पर, v से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर मैं चित्र में आपको एक चीज़ बता दूँ,
यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना कि जैसे ये प्रतिबिंब है, तो जो दूरियों को हम कैसे मापते हैं, देखो दूरी को हम नाम मापते हैं पी से एफ, पी एफ इसको हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एफ से, माने फोकस दूरी पी एफ, और ये जो पी सी होगा, पी सी वो होगा वक्रता त्रिज्या आर, क्लियर। और ये मान लो वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, मान लो ये वस्तु है ऑब्जेक्ट और यह है प्रतिबिंब, इस तरह से, तो पी ओ होगा, पी ओ मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होगी उसको हम यू से प्रदर्शित करेंगे, और ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी जिसको मैंने पी आई कहा वो क्या होगा भी। तो चार दूरियों को आप ध्यान में रखना, कौन क्या है, क्या क्या बोला मैं, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को हम आर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करेंगे, संकेत फिक्स हैं इसके, और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम वी से प्रदर्शित करेंगे। तो ये दूरियों को आप ध्यान में रखना। तो पहला फार्मूला मैंने आपको ये बताया रैखिक आवर्धन का, दूसरा है एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन टू, ये फार्मूला आप याद रखना, मतलब जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसे मान लो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। और तीसरा फार्मूला जो आपको याद रखना है वो है दर्पण समीकरण, इसको बोलते हैं दर्पण समीकरण, ये सब आप 12वीं क्लास में इसका डेरिवेशन भी करोगे, मिरर इक्वेशन, इसका फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फार्मूला है जहाँ पर f फोकस दूरी है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, u क्या है वस्तु की दूरी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, v क्या है v से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये फार्मूला इस फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि मैं बाद में इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स के भी वीडियो डालूंगा, तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, इनको आप स्थापित करोगे 12th क्लास में। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था गोली दर्पण से रिलेटेड मैंने सब चीज़ बता दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रतिबिंब बनाने का प्रैक्टिस और ये फार्मूला को याद करना, चिन्ह परिपाटी इसलिए तैयार करना है क्योंकि जब भी हम इसके आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो चिन्ह परिपाटी के आधार पर ही हम दूरियों को भरेंगे। प्रकाश के चैप्टर के न्यूमेरिकल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि यदि हम चिन्ह परिपाटी के साथ में मान को न भरें तो आंसर गलत आता है, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखिए और 12th क्लास को भी अभी से ध्यान रख के आप उसको डीपली स्टडी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।